दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शारिक और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखाते हैं अपने 4PM न्यूज़ चैनल पे। तो आप देखिए खबर क्या है। हम आपको बता दें कि राहुल नाम के व्यक्ति को मड़ियांव थाने की पुलिस ने 2 माह पहले 302 के अपराध में जेल भेजा, जिसकी आज जेल में तबीयत खराब हुई और जेल प्रशासन ने परिवार को सूचित किया कि राहुल की तबीयत ठीक नहीं है। परिवार वाले जब जेल पहुंचे तो वहां राहुल को मृतक पाया। परिवार वालों ने सीधा आरोप लगाया जेल प्रशासन पे कि उसके भाई की हत्या कर दी गई है जेल में, उसकी बॉडी को बलरामपुर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। बलरामपुर हॉस्पिटल में मर्चरी में डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम नहीं किया। सुबह की रखी हुई बॉडी को देर शाम तक के डॉक्टरों ने मर्चरी में ही रखा। परिवार वालों ने आक्रोश में आकर के धरने पे बैठ गए बलरामपुर हॉस्पिटल के बाहर। सभी थानों की फोर्स मौजूद, चौक थाने की, कैसरबाग थाने की, वजीरगंज थाने की फोर्स पहुंची, समझाने में लग गई, लेकिन परिवार वालों को समझाने में नाकामयाब रहे। उन्होंने जेल प्रशासन पे यही आरोप लगाया कि उसके भाई की जेल में हत्या कर दी गई है। हमारा नाम पंकज गिरी। क्या मामला है यहाँ पर? 6 सितंबर को हमारे भाई राहुल गिरी जेल गया था थाना मरियां से। किस मामले में जेल गया? 302 में। तो अभी क्या मामला है जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं? सुबह फोन आया हमारे भाई के पास, रोहित गिरी के पास, क्योंकि जेल से कहीं तुम्हारा भाई बीमार है। जब यहाँ आए तो कहीं की तुम्हारा भाई फांसी लगा लिया। ये कै बजे की बात है जब सूचना? 11 बजे, 10 बजे करीबन आए, 10 या 11 बजे। 11 बजे। कितने टाइम से जेल में थे लोग? जेल में थे 2 महीना हो गए। 6 सितंबर 9 तारीख को जेल गए थे थाने में। 6 सितंबर थे। तो अभी क्या मामला जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे? अभी मामला था मेरे भाई की डेट हत्या हुई है जेल के अंदर। पोस्टमार्टम बिना एक आए थे साहब, तो बोले थे 5 लाख रुपए तुमको दिला देंगे, घटना हुई है, आप घर का जाइए अपनी बॉडी ले लेना। कौन साहब थे वो लोग? हमने उनका नाम नहीं जाते, हम पढ़े लिखे हैं नहीं जाते। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही थी वो फांसी लगाया है, आप चुप पे जाइए नहीं तो आप लोग भी बंद हो जाएंगे। मेरे भाई को रोहित गिरी को लेकर के विजयनगर थाने वाले बहुत मारिन है, हमको भी उठा रही थी, मानने जा रही थी। तो किस थाना क्षेत्र का मामला है ये? ये क्षेत्र का थाना तो वहाँ का मरियांक था, लेकिन वहाँ का मैटर नहीं। अभी आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे वो कहाँ का? विजयनगर। विजयनगर वाले आए थे, हमको भी मारा था, हमें तो मार दिया है। तो आपने सुना परिजनों का क्या कहना है। सीधा आरोप जिला प्रशासन पर लगा रहे हैं कि उसके भाई की जेल में हत्या कर दी गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सच क्या है और झूठ क्या है उसका फैसला तभी होगा। तो आप हमारे चैनल को ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए। खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।